हे गाइस वेलकम टू स्पार्टन सुबह का। जैसे ही आप पबजी मोबाइल को सुबह का आज ऑन किए होंगे तो आपको मेंटेनेंस नोटिस दिखाई दे रहा होगा पबजी मोबाइल की तरफ से। और जैसा कि मैं आपको बताया था कि 0.15.0 का अपडेट 16 अक्टूबर का आने वाला, 15 अक्टूबर का आपका मेंटेनेंस में जाने वाला पबजी मोबाइल, तो ओवरऑल वही डिटेल बताया जा रहा। उसके साथ साथ जितना भी मैं आपको डिटेल में बताया था क्या क्या चीज़ आने वाला, इतना सारा मैं वीडियो बनाया था, तो अगर आप मेरे चैनल को बहुत पहले से फॉलो करते होंगे तो आपको एक एक चीज़ पता है क्या क्या चीज़ आने वाला है। और अगर आप नहीं फॉलो करते तो कोई बात नहीं, आप जाकर अभी से चेक कर सकते हैं, एक वीडियो आपको मिल जाएगा 0.15.0 के ऊपर, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसका साइज क्या होगा, मतलब कितना साइज आपको छोड़ना होगा, क्या क्या चीज़ मिलने वाला, जो मेन मेन चीज़ उसके बारे में डिस्कस करने वाले, और जो जो पैच नोट है उसके बारे में डिस्कस इसलिए नहीं करने वाला क्योंकि ओवरऑल मैं सब कुछ बता दिया हूं। और मैं सोच रहा हूं कि एक अलग वीडियो लाने के लिए जिसमें मैं आपको कंप्लीट चीज़ बताऊं क्या क्या चीज़ आने वाला, एक ही वीडियो में वो सम अप करूंगा, क्योंकि इससे पहले जो भी मैं वीडियो बना रहा था अलग अलग वीडियो बना रहा था क्योंकि पबजी मोबाइल हम लोग बीटा वर्जन में धीरे धीरे बता रहा था कि क्या क्या चीज़ आने वाला, तो एक अलग से वीडियो आएगा, मे बी कल आ सकता है 15 अक्टूबर क्योंकि परसों आपका अपडेट आने वाला, तो एक दिन पहले मैं एक ओवरव्यू वीडियो बनाऊंगा 0.15.0 के ऊपर, और वो वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ये अपडेट बहुत ही बड़ा है, तो एक एक चीज़ को नोटिस करना और एक एक चीज़ को मेंशन करना थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है। तो मैं अभी से एक कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दिया हूँ क्या क्या चीज़ आने वाला। वैसे अभी आपको जानना है क्या क्या चीज़ आने वाला तो डेफिनेटली इसको पैच नोट को कंप्लीटली पढ़ सकते हैं, बट अगर आप मेरा वीडियो का वेट करें थोड़ा सा और वेट कर लीजिए क्योंकि उसमें मैं आपको लाइव भी दिखाने वाला, उसके साथ साथ कुछ कुछ वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा क्योंकि अगर आपको कुछ चीज़ सीखना है तो डेफिनेटली आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ये वीडियो का नहीं वो वीडियो का, तो वो वीडियो होपफुली कल तक आ जाएगा, वो थोड़ा लंबा चौड़ा वीडियो होने वाला तो डेफिनेटली वो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेंटेनेंस नोटिस में हम लोग को बताया जा रहा है कि हम लोग का जो पबजी मोबाइल का जो सर्वर है वो मेंटेनेंस में जाने वाला है 0 से लेकर 7:00, मतलब ये यूटीसी का टाइम है, ये अगर आईएसटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये सुबह 5:30 बजे कल 15 अक्टूबर सुबह 5:30 बजे ये मेंटेनेंस स्टार्ट होगा और 11:30 या 12:30 तक ये मेंटेनेंस चलने वाला है। तो उस टाइम अगर आपका गेम नहीं चलेगा, मतलब कल सुबह 5:30 से लेकर 11:30 12:30 तक अगर गेम नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, वो सबका नहीं चल रहा, ऐसा नहीं कि आप नहीं खेल पा रहे और दूसरा कोई खेल पा रहा, नहीं, एक साथ सबका सर्वर मेंटेनेंस में जाता है, कोई भी सिंगल बंदा पबजी मोबाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो कोई टेंशन का बात नहीं है, 12:30 या 11:30 को कल सुबह ये जो पबजी मोबाइल आपका ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको कल अपडेट नहीं मिलेगा, 16 अक्टूबर को मिलेगा। जैसे मैं सोचिएगा कि जैसे मेंटेनेंस खत्म होगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा, वैसे नहीं है, 16 अक्टूबर को आपको सुबह कभी भी मिल सकता है, 16 अक्टूबर को सुबह से लेकर शाम तक धीरे धीरे सबको अपडेट मिलता है, इसलिए कोई टेंशन का बात नहीं है, सबको अपडेट मिलेगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि आपको अपने डिवाइस पर कितना स्पेस मतलब खाली रखना होगा तब जाके ये जो अपडेट है आप इंस्टॉल कर पाएंगे। तो अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस चलाते हैं तो आपके जो डिवाइस है उसमें मिनिमम आप बोल सकते हैं 1.76 GB खाली होना चाहिए तब जाके आप ये अपडेट को अपडेट कर सकते हैं, मतलब ये वाला जो गेम है इसको अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास iOS डिवाइस मतलब एप्पल का कोई डिवाइस है तो आपको थोड़ा और स्पेस रखना होगा 1.98 GB, तो जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना ही आपके लिए बेटर है, और उसके साथ साथ आपका गेम जो होगा वो लैग करना मतलब लैग थोड़ा कम करेगा। तो ये वाला चीज़ आप देख पा रहे हैं, ये स्पेस है और अपडेट कितना साइज का होगा वो गारंटी नहीं, क्योंकि कुछ कुछ डिवाइस का पूरा अपडेट आता है, कुछ कुछ डिवाइस में आपको 700-800 MB का अपडेट आता है, तो वो डिपेंड करता है डिवाइस टू डिवाइस, बट आपका स्पेस जो होना चाहिए मिनिमम ये जो आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट इतना होना ही चाहिए तब जाकर आपका गेम इंस्टॉल होगा। और जो जैसा कि मैं बताया कि ये अपडेट कल नहीं आने वाला, कल मेंटेनेंस ब्रेक आने वाला, उसका एक दिन बाद 16 अक्टूबर का आपको अपडेट देखने को मिलेगा, न्यू वर्जन विल बी अवेलेबल स्टार्टिंग 16 अक्टूबर, तो स्टार्टिंग हो रहा तो धीरे धीरे 16 अक्टूबर को शाम को भी मिल सकता है सुबह को भी मिल सकता है, वो डिपेंड करेगा। अगर आप 22 अक्टूबर का पहले अपडेट करते हैं गेम को तो आपको एक्स्ट्रा एक फेरी सेट 3 दिन के लिए आपको आउटफिट मिलेगा, और उसके साथ साथ आप सिल्वर फ्रैग 50 मिलेगा, उसके साथ साथ 2888 BP मिलेगा, तो पहले आपको 1888 BP मिलता था, अभी 1000 आपको बढ़ा दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा क्यूबीजी का भी स्किन 3 दिन के लिए मिलेगा, तो डेफिनेटली वो वीडियो अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया चेक कर सकते, उसमें मैं आपको बताया कैसे आपको 22 अक्टूबर को क्यूबीजी का भी स्किन मिल जाएगा जो कि होगा 3 दिन के लिए, तो वो चीज़ मेंशन नहीं किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप ये वीडियो का लिंक देख सकते हैं, मतलब ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो वो वीडियो का लिंक जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यूबीजी का स्किन 3 दिन के लिए कैसे मिलेगा 22 अक्टूबर को, तो ये चीज़ तो मिलेगा। उसके साथ साथ जो जैसे कि बताया कि अगर आप वो वाला स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको क्यूबीजी का स्किन उसके साथ साथ बहुत सारा आउटफिट फ्री में 3 दिन के लिए मिलेगा,
तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट चीज़ जो कि ये नया नया मोड पेलोड मोड के बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका, तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। चैनल को एक बार चेक कर सकते हैं, आपको सब कुछ वीडियो मिल जाएगा अलग अलग करके। UMP जो 9 था वो UMP 545 में कन्वर्ट होगा। वेक्टर जो है, वेक्टर आपका जो 0.45 का एमओ लगता था, अभी उसमें 9 mm लगेगा। तो सब कुछ मेरे वीडियो में डाला हुआ है ऑलरेडी, आप जाकर चैनल में चेक कर सकते हैं। तो लेज ग्रैब का जो फीचर, वो भी मैं आपको बता दिया कि लेज ग्रैब का भी फीचर आने वाला है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं वेक्टर में पहले डैमेज 34 से 31 कर दिया, थोड़ा सा डैमेज घटा दिया गया है। उसके साथ साथ जो मैं जैसे कि बताया कि एमओ चेंज होता था, डैमेज भी घटता है, और कभी कभी एमओ अच्छा एमओ डाला जाएगा तो और अच्छा डैमेज होता है। तो वैसे आपको देखने को मिल रहा कि जो पहले का वेक्टर का डैमेज था वो 34 था, अभी 31 कर दिया गया है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं पहले आपको 0.45 का एमओ लगता था, अभी आपको 9 mm का एमओ लगेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं जो पहले का अभी का जो वेक्टर है, जो जिसमें 0.45 लगता है उसमें 13, मतलब अगर विदाउट अगर एक्सटेंडेड अगर वेक्टर आप यूज़ करते तो 13 मैक्सिमम 13 mm लगता है, अगर आप एक्सटेंडेड यूज़ करते तो 25 होता था। तो अभी अगर आप वेक्टर को डिफॉल्ट उठाएंगे तो आपको 19 mm देखने को लगेगा, ज़्यादा एमओ रहेगा। और अगर आप एक्सटेंडेड यूज़ करेंगे तो 33 mm तक ये जाएगा। और जैसे कि मैं बताया कि UMP 9 कन्वर्ट हो रहा है UMP 45 में, तो नेम चेंज हो रहा था क्योंकि इसमें पहले 9 का एमओ लगता था, अभी 0.45 ACP का एमओ लगेगा। तो उसके साथ साथ आप देखते रहे पहले UMP में आपको 30 mm लिखता, मतलब 30 mm डिफॉल्ट रहता था, और एक्सटेंडेड लगाने के बाद 40 हो जाता था। बट अभी आपको विदाउट एक्सटेंडेड आपको 25 mm ले लेगा, और एक्सटेंडेड अगर आप लगाएंगे तो 35 mm, मतलब 5 mm आपको घट जाएगा इनिशियल जो अभी है। और बुलेट जो स्पीड होगा वो ज़्यादा रहेगा। और जैसे कि आपको पता होगा कि 0.45 जो एमओ होता है उसमें थोड़ा सा डैमेज ज़्यादा देता है एज़ कम्पेयर टू 9 का। UMP 45 का जो डैमेज होगा UMP 9 से ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें जो एमओ है वो बदल रहा है। जैसे कि मैं बताया कि वेक्टर का पहले वाला जो मोड था उससे अभी वाला मोड में वेक्टर का जो पावर वो थोड़ा घट रहा, बट UMP का जो पावर है वो थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि एमओ चेंज हो रहा है। म्यूटन में जैसे कि आपको पता होगा टेक्टिकल स्टॉक लगा रहा, वैसे करके आप पढ़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। उसमें आप देख सकते परफॉर्मेंस इंक्रीज, मतलब परफॉर्मेंस में बहुत चीज़ फिक्स किया गया है। जैसे आप देख सकते लोडिंग इश्यू फॉर द बेटर कॉम्बैट एक्सपीरियंस, जो लोडिंग स्क्रीन होता है उसमें थोड़ा सा आपको अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इवन बहुत बार क्या होता है कि गेम के बीच में लोडिंग होता है, तो वो चीज़ को फिक्स किया गया है। नेक्स्ट जो चीज़ ऑप्टिमाइज़ किया गया हुआ है वेपन लोडिंग लॉजिक। तो बेसिकली ये जो चीज़ आप देख पा रहे हो परफॉर्मेंस, वो जब गेम आएगा तब पता चलेगा। अभी हम लोग जो थियोरेटिकल है उससे समझ नहीं पाएगा, जैसे गेम आएगा तो अगर हम लोग को एक्सपीरियंस करेंगे उसके बाद मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि सच में ये सब जो परफॉर्मेंस ये दिखा रहा है ये सच में ऑप्टिमाइज हुआ है कि खाली बोलने का चीज़ है। तो इधर आप देख सकते हैं CPU का जो यूजेस वो थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया है, और आपका जो मोबाइल जो हीटिंग होता है वो थोड़ा कट कर दिया गया। मतलब अभी आपको CPU का यूजेस कम रहेगा तो आपका जो गेम है वो फ्लूएंट, मतलब एकदम फ्रिक्वेंटली चलेगा, कोई भी फ्लक्चुएट नहीं होगा FPS में। इवन आपका डिवाइस में आपका जो ओवर हीटिंग है वो कम हो जाएगा। उसके साथ साथ आप देख सकते ग्राफिक में इंप्रूवमेंट किया गया, उसके साथ स्मूथनेस। तो ये हर एक वर्जन में बताता है कि ग्राफिक्स इंप्रूव किया गया है, तो देखा जाएगा जब ये अपडेट आएगा तब हम लोग देख लेंगे। इधर आप देख सकते हैं इंप्रूव इन वेपन आउटफिट ग्राफिक्स एंड टेक्सचर, तो अभी और भी अच्छा टेक्सचर देखने को मिलेगा आउटफिट में। और इसमें आप देख सकते हैं एनहांस्ड लाइटिंग एंड शैडो इन मेन मेनू। तो अभी पहले का मुकाबला आप पता होगा कि आप अपना लॉबी का जो लुक है वो थोड़ा और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें एक बटन दिया जाएगा तो रिड्यूस द टाइम नीडेड टू क्रिएट अ एंट्री रूम। तो जैसे आपको पता होगा रूम जैसे क्रिएट होता कभी भी टाइम ज़्यादा लगता है क्रिएट होने में, तो वो चीज़ को घटा दिया गया। डार्केस्ट नाइट विल बी टेकन ऑफलाइन फॉर ट्यून। तो इधर आप देख सकते हैं डार्केस्ट नाइट, जो और एक जॉम्बी मोड है डार्केस्ट नाइट, उसको बंद किया जाएगा कुछ दिन के लिए, क्योंकि आपको पता होगा हेलोइन मोड के लिए जो सर्वाइवल टिल डॉन 2 था उसको मॉडिफाई किया गया। तो पबजी चाहता है कि आप केवल वही मोड को खेलिए जब तक जॉम्बी मोड है, तो डार्केस्ट नाइट जो था उसको अभी बंद किया जाएगा कुछ दिन के लिए, आप ये वाला मोड को नहीं खेल पाएंगे, वो बंद हो जाएगा ये अपडेट के बाद। उधर आप देख सकते हैं अदर न्यू कंटेंट एडेड FPP ट्रेनिंग ग्राउंड, वो भी मैं आपको दिखा दिया कि FPP मोड, मतलब अभी आप ट्रेनिंग मोड में FPP भी खेल सकते हैं, मतलब ट्रेनिंग मोड में FPP क्या खेलेंगे, FPP में आप ट्रेनिंग मोड में जा सकते हैं। ये चीज़ें एडेड रॉकी मिशन, कुछ मिशन आपको देखने को मिलेगा, पार्टनर रिवॉर्ड भी कुछ कुछ ऐड हुआ, ऐड अ टैब फॉर अ मैसेज फॉर प्लेयर, तो कुछ एक टैब ऐड किया गया जिसमें आप मैसेज कर सकते हैं प्लेयर के लिए। और गिफ्टिंग मतलब गिफ्ट गिविंग एनिमेशन भी आप देखे होंगे कि मैं आपको दिखाया था। ग्रेनेड का जो फिनिश ग्रेनेड का स्किन भी मैं आपको दिखाया था। एडेड पैराशूटिंग एंड ग्लाइडिंग आइटम, तो हाथ में भी आपको अभी जो पैराशूट ट्रेल था वो हाथ में भी देखने को मिलेगा, वो भी चीज़ आपको दिखाया था। एड क्लोजअप व्यूज व्हेन ट्राइंग आउटफिट इन अ शॉप, तो ये चीज़ मैं आपको अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, इसका वीडियो पेंडिंग में है।
ये वाला चीज़ का वीडियो आज ही आपको मैं थोड़ा देर में देने वाला हूँ, क्योंकि उसका जो वीडियो था वो कल ही आने वाला था बट एडिट में फंसा हुआ, तो ये वाला वीडियो मैं कल मतलब आज ही डालने वाला कुछ ही देर में। ये वीडियो डालने के बाद ये वाला चीज़ का आपको वीडियो आ जाएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि एडिट क्लोजअप व्यू क्या होता है, ओवरऑल आपको सब कुछ डिटेल पता चल जाए। वाउचर में बताया कि प्राइम प्लस जो जो लेगा उसको एक्स्ट्रा वाउचर मिलेगा, और अचीवमेंट में कुछ कुछ ऐड हुआ जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये था कुछ मेंटेनेंस नोटिस, आप देख सकते हैं। तो और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कोई टेंशन की बात नहीं, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कम्प्लीटली एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, तो वो वीडियो आप देखेंगे तो कम्प्लीट पता चल जाएगी क्या क्या चीज़ नया आने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कर सकते, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि अपडेट आने के बाद बहुत सारी चीज़ और भी आता है। तो अगर आप कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहते, कोई भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल का आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दीजिए। और जैसे कि आपको पता हो कि अपडेट का टाइम बहुत सारा मैं वीडियो डालता हूँ, क्योंकि 5-6 हो जाता है, 4-5 वीडियो हो जाता है, तो यूट्यूब 2 वीडियो डालने के बाद आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता। अगर आपको सब वीडियो देखना है और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन चाहिए, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है, क्योंकि यूट्यूब का कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। अगर 3-4 वीडियो हो गया दिन का तो घंटा आपको कुछ नहीं भेजने वाला, आपको केवल दिन का 2 ही वीडियो में नोटिफिकेशन भेजेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको यूट्यूब खुश रहा आपके ऊपर तो 3रा वीडियो का भी नोटिफिकेशन भेज देगा, उससे ज़्यादा वीडियो का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो अगर आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक विल बी डिस्क्रिप्शन, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस इतने रखते हैं वीडियो का, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।